Hello, students. So, today we will discuss mathematical reasoning exercise 14.3. But before going to the exercise, I would like to discuss some uh, important points about the exercise. These uh, concepts are important for uh, solving the question from this exercise. As we discussed already, the connecting words uh, and एंड दूसरा क्या था आपका और तो यहाँ पर मैं और के बारे में बताऊँ इसका दो तरह से यूज होता है तो ये होगा आपका इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव तो या तो इंक्लूसिव और होगा या फिर एक्सक्लूसिव और होगा यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो यदि यह यहाँ पर मैं आपको कहूँ स्कूल इज ए क्लोज ऑन ए संडे और holiday. तो यहां पर देखिए क्या डिफरेंस है इसमें और दूसरा मैं स्टेटमेंट यहां लिखता हूं टू लाइन्स और इंटरसेक्टिंग और पैरल तो आप यहां देख सकते हैं जो फर्स्ट केसर में ध्यान से देखिएगा स्कूल इज क्लॉर्ड ऑन ए संडे और होलीडे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो संडे को स्कूल क्लोज होगा या फिर होलीडे दोनों भी साथ साथ हों तो भी स्कूल क्लोज ही होगा ये पहला केस हुआ इनमें इंक्लूसिव और कहलाता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और पैरल यानी यहाँ पर इस केस में दोनों में से किसी एक हो सकता है इंटरसेक्टिंग एज वेल एज पैरल नहीं हो सकती तो या तो दो लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर पैरल होंगी तो ये केस आपका एक्सक्लूसिव और कहलाता है तो इस भेद को आप डिफरेंस के को याद रखेंगे जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है और अभी मैं आपको एंड के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और और स्टेटमेंट और एंड स्टेटमेंट ये दोनों आपके कनेक्टिंग वर्ड हैं और ये मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज में आपको बताया था कि और के केस में जो आपके कंपोनेंट स्टेटमेंट होते हैं

ये तो और का केस था यहां एंड में क्या होगा इफ बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज ये फॉल्स होगा तो ध्यान से देखिए यहां पर दोनों का ट्रू होना जरूरी है यदि एक ट्रू हुआ और एक नहीं तो उसमें फॉल्स है यहां पे दोनों का फॉल्स होना जरूरी है यदि एक फॉल्स एक नहीं तो वो ट्रू है यानी यदि दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू और कोई एक ट्रू है तो भी ट्रू दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा यहां पर यदि एक फॉल्स है तो भी फॉल्स दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स बट यदि दोनों ट्रू होंगे तो भी तो ही ये आपका ट्रू माना जाएगा और एक और मैं आपको बताता हूं यहां पर थोड़ा जिक्र करता हूँ आपको क्वांटिफायर्स के बारे में भी तो क्वांटिफायर्स में हमारे दो क्वांटिफायर यूज होते हैं यहां पर एक देयर एग्जिस्ट और दूसरा होता है फॉर ऑल तो कैसे यूज होंगे मैं बताता हूं आपको जैसे कि देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल ऑफ विच ऑल साइड्स आर इक्वल तो यहां पर जो देर एग्जिस्ट है ये आपका क्वांटिफायर कर लाएगा और इसी तरह से आप देखेंगे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल प्राइम नंबर्स देर स्क्वायर रूट आर इेशनल तो यहाँ पर जो फॉर ऑल है ये आपका क्वांटिफायर हुआ तो इन्हें कैसे यूज करेंगे और ए, अभी आप लोग उसको और डिटेल में देखेंगे बहुत आसान होंगे समझने को ये मैं आपको एक्सरसाइज में बताते हुए चलूँगा तो यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले कि जो आपका क्वांटिफायर्स है वे क्या हैं यदि क्वेश्चन में पूछेगा तो और दूसरा आप इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव और में क्या डिफरेंस है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्योंकि जब तक मैं आपको यहाँ पर चार एग्जाम्पल दूंगा तब तक आपका एक्सरसाइज हो जाएगा बहुत आसान एक्सरसाइज है ये पहले क्वेश्चन को देखिए यहां पर दिया उन्होंने फॉर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड एंड देन ब्रेक इट इन टू कंपोनेंट स्टेटमेंट तो देखिए पहली एक्सरसाइज में हमने ये सब कुछ बताया था अब रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन नंबर वन में देखिए, जो स्टेटमेंट है ये पहला देखिए आपको दिया गया है यहां से देता हूं मैं all rational numbers are real all rational numbers are real and all real numbers are not complex and all real numbers are not कॉम्प्लेक्स तो यहां पर दो चीजें पूछी उन्होंने फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड तो देखो कनेक्टिंग वर्ड है यहाँ पर एंड ठीक है तो चलिए अभी देखते हैं कि कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ये होंगे ऑल रेशनल नंबर आर रियल और दूसरा होगा ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स चलिए अभी सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का यहां दिया है द स्क्वायर ऑफ एन इंटीरियर इज पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव तो यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्टिंग वर्ड देखेंगे यहाँ पर आपका एंड था तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ और है तो देखिए यहाँ पर ये यह दोनों कनेक्टिव वर्ड आपके क्लियर हो गए और उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट देखते हैं ये होगा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एज पॉजिटिव और दूसरा होगा आपका स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव अभी इसका थर्ड पार्ट देखेंगे चलिए ये दिया गया है आपको द हीट्स अप क्विकली इन सन इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट यहाँ पर ये मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं आपको द सेंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट तो कनेक्टिंग वर्ड देखें सबसे पहले यहाँ पर एंड आया है और फिर हम चेक कर देखें कंपोनेंट स्टेटमेंट के बारे में तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है देखो द सेंड अप क्विकली इन द सन और दूसरा होगा द सेंड Does not cool down fast at night. और ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर उन्होंने दिया है x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of equation 3 x square minus x minus 10 equal to 0. x equal to 2 and uh, x equal to 3 are uh, the roots of the equation 3 x square minus x minus 10. इक्वल टू जीरो तो यहां पर आप देखिए जो कनेक्टिंग वर्ड है वो आपका एंड है यहां पर दिया हुआ है देखो ये और इसके साथ जो कंपोनेंट स्टेटमेंट में क्या होंगे देखो एक्स इक्वल टू टू इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो और दूसरा होगा एक्स इक्वल टू थ्री इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो था आपका पहला क्वेश्चन आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा यहां पर और अभी सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यदि आपने कॉन्सेप्ट अभी अभी समझा था जो मैंने बताया था तो डेफिनेटली आप मेरे से पहले आंसर ले, ले लेंगे यदि क्वेश्चन नंबर टू आइडेंटिफाई द क्वाटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट चलिए पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है दे आर एग्जिस्ट इन नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर तो यहां पर जो क्वांटिफायर है वो देर एग्जिस्ट है और जिसका नेगेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा देखो आपको मालूम है नेगेशन का मतलब यदि हम पी सच दैट ये मान लेते हम स्टेटमेंट तो नेगेशन ऑफ पी ऐसे लिखते तो ये होगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए एक नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर और uh, जो सेकेंड स्टेटमेंट है दिया देखो फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन और एवरी रियल नंबर एक्स एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन तो यहां पर जो फॉर एवरी मैंने आपको बताया फॉर एवरी फॉर ऑल तो ये आपके क्या होंगे क्वांटिफायर और जब इसका आप नेगेशन uh, लिखेंगे तो क्या होगा फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एक्स इज नॉट लेस देन एक्स प्लस वन और अभी थर्ड वाला देखते हैं यहां आपको दिया गया है देर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया देर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर ए एवरी स्टेट इन इंडिया देर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया तो यहां पर जो आप क्वांटीफाइल लेंगे तो देर एग्जिस्ट आ जाएगा इसी की तरह जैसे यहां पर दिया है आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में और जो इसका नेगेशन लिखोगे वो होगा देर डज नॉट एग्जिस्ट कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू और uh, आइए अभी प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए यहां दिया गया आपको चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर नेगेशन ऑफ ईच अदर गिव रीजन फॉर योर आंसर तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री मुझे पहले स्टेटमेंट लिखना होगा आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री और यहां दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर नेगेशन ऑफ इच अदर गिव रीजन फॉर योर आंसर पहला देखिए यहां दिया है X plus Y equal to X Y plus X is true for is true for every real numbers X and Y real numbers X and Y. और सेकंड uh, स्टेटमेंट क्या दिया देखो ये दिया देर एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स एंड वाई देर एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स एंड वाई फोर विच एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स तो उन्होंने बोला देखो यहां पे फिर से मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट क्या है था चेक वेदर द इंस्ट्रक्शन जो है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ इच अदर तो मैं पहले का नेगेशन आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं ठीक है इसका नेगेशन होना चाहिए था एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज नॉट ट्रू फॉर ए एवरी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई क्या दूसरा स्टेटमेंट यही है नहीं है तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन नहीं है तो अंडरस्टूड है फर्स्ट स्टेटमेंट दूसरे का नेगेशन नहीं होगा क्यों क्योंकि दूसरे का जो नेगेशन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था देखिए यहाँ पर जब नेगेशन लिखूंगा मैं तो दे आर डज नॉट एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स एंड वाई फोर विच एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स ऐसे आपको लिखना चाहिए तो इसका नेगेशन यहां नहीं है इसका नेगेशन यहां नहीं है तो दे आर नॉट ऐसे लिख दो स्टेटमेंट कर दो यहां पर दे आर नॉट गेशन ऑफ इच अदर तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए अभी फोर्थ देखते हैं स्टेट वेदर और यूड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव गिव रीजन फॉर योर आंसर ओके क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं आइए तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में आपको दिया गया है थ्री स्टेटमेंट दिए गए हैं यहां पर पहला जो है ये आपका है सनराइजेस और मून सेट और सेकंड स्टेटमेंट दिया है आपको टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए राशन कार्ड और ए पासपोर्ट और थर्ड देखिए यहां पर दिया है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम पहले को चेक करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पहले वाले का केस देखते हैं यहाँ पर दिया आपको सनराइजेस और मून सेट तो या तो सनराइज होगा या फिर मूनसेट होगा कोई एक होगा ये दोनों साथ साथ नहीं है और ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे तो तो उसको हम एक्सक्लूसिव कहेंगे और जो सेकंड कैसे में देखिए टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड ए राशन कार्ड और ए पासपोर्ट और यदि आपके पास दोनों हैं तो क्या लाइसेंस नहीं बनेगा तो भी आपका लाइसेंस बनेगा थोड़ा तो और भी अच्छा तो यहाँ पर इंक्लूसिव है यहाँ पर जो और है आपका ये इंक्लूसिव है और यहाँ पर क्या था आपका एक्सक्लूसिव था और फिर अभी तीसरा केस देखिए यहाँ पर ऑल इंटीजियर सार पॉजिटिव और निगेटिव तो या तो पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव होगा कोई इंटीजियर पॉजिटिव भी है और फिर साथ निगेटिव भी है ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है तो so, यहाँ पर क्या होगा दोनों साथ साथ नहीं है का मतलब एक्सक्लूसिव so, तो so, so, ये आपका एक्सक्लूसिव और होगा तो फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव नेक्स्ट इज इंक्लूसिव और लास्ट वन इज एक्सक्लूसिव तो देखिए ये थे आपके क्वेश्चन सीनियर एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री होप आपने एन्जॉय किए होंगे और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छे और मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन हैं फोर मार्क्स में आ जाता है इतना ही कोई डिस्कस करने के लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और मार्क्स स्कोर करेंगे सो टेक केयर